तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज के ज़माने में अगर किसी को पैसे चाहिए होते हैं वो सीधा बैंक भागता है, क्योंकि उसे लोन लेना होता है। सो गाइस, और लोन लेने के लिए आपको बहुत सारी मतलब चीज़ें गिरवी रखनी पड़ती हैं उसके लिए, लोन रिक्वायरमेंट के लिए, और आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि बैंक आपको लोन नहीं दे पाता है या फिर देता ही नहीं है। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी एप्लीकेशंस के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको लोन दे सकते हैं, वो भी सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के थ्रू। और गाइज, ये RBI से अप्रूव्ड है बिल्कुल। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको ये कैसे करने हैं, कैसे ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और कैसे आपको लोन लेना है। फुल डिटेल में वीडियो है, पूरी देखिएगा एंड तक। एंड जो लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिसकी वजह से आपको हमारे नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो इस चलते हैं वीडियो को और आपको बता देंगे कौन से ऐप हैं और इन्हें कैसे यूज़ करना है। तो चलिए, सो गाइस, अब हम लोग एप्लीकेशंस की ओर चलते हैं, देखते हैं कौन कौन सी ऐसी 6 बेस्ट लोन एप्लीकेशन है जहां पर आप सभी लोग को इंस्टेंट लोन मिलने वाला है। तो भाई, ये सभी के सभी ऐप्स आप सभी लोग को प्ले स्टोर पर अवेलेबल मिल जाते हैं। तो प्ले स्टोर से गाइस आप लोग इन एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर सकते हो। तो वहाँ सबसे पहला एप्लीकेशन, इसका नाम है इनक्रेड, काफी अमेजिंग पर्सनल लोन ऐप है। गाइस, आप लोग सर्च करोगे सबसे टॉप पर ये एप्लीकेशन आ जाएगा, आप सभी लोग को इसको इंस्टॉल कर लेना है। अब भाई देखो, यहाँ पर अगर आप लोग ऑनलाइन लोन वगैरह लेना चाहते हो तो इस एप्लीकेशन के अंदर आराम से आप लोगों को 50,000 रुपये तक का पर्सनल लोन देखने को मिलता है। एक क्लियरली आप लोग के सामने यहाँ पे मेंशन भी किया गया है, आप लोग इसको यहाँ पे पढ़ भी सकते हो। देखो, आवर फीस एंड चार्जेस सब कुछ यहाँ पे मेंशन करे गए हैं। यहाँ पर आप सभी लोग को अगर देखें ना, तो इनका कहने का ये तो कहते हैं कि आप लोग को 50,000 रुपये से लेकर 7.5 लाख रुपये तक का लोन हम आपको देते हैं आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से। लेकिन आप लोग को 50,000 रुपये तक का लोन ही यहाँ पर मिलेगा। तो 50,000 रुपये तक का लोन आप लोग इजिली यहाँ से ले सकते हो। अगर हम लोग रिपेमेंट की डेट देखें, टाइम देखें ना, टाइम मिलता है तो यहाँ पर आप लोगों को 12 महीने से लेकर 60 महीने तक का समय देखने को मिलता है। मतलब कि यार, यहाँ पर आप सभी लोगों को 5 साल तक का मैक्सिमम समय देखने को मिलेगा। 5 साल तक आपको यहाँ पर रिपेमेंट करने का मौका मिलेगा। 5 साल के अंदर यहाँ पे आप लोगों को लोन का जो अमाउंट रहेगा उसकी रिपेमेंट करनी पड़ेगी। जो मैक्सिमम एनुअल परसेंटेज रिटर्न है, रेट है, वो है 36% का। उसके बाद यहाँ पर आप लोग कुछ फीस लगती है 2-5% की, इसको हम लोग कहते हैं प्रोसेसिंग फीस। उसके अलावा यहाँ पर कुछ चार्जेस वगैरह जो लिखे लेते हैं वो सब मेंशन किया गया है। अब यार, इन्होंने यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया है, अगर आप लोग यहाँ पे इनसे 1 लाख रुपए का लोन लेते हो, 21% के इंटरेस्ट रेट पर अगर आपको लोन मिलता है, 36 महीने का समय रहता है, आपको 3540 रुपए की GST भरनी पड़ेगी, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। फिर यहाँ पर आप लोगों को जो डिसबर्स अमाउंट जो आपका रहेगा 96,460 रुपए रहेगा, मतलब 96,460 रुपीज आपके बैंक अकाउंट में आएंगे, जिसमें से आपकी EMI बनेगी 3,768 रुपए की। मतलब कि करीबन तीन साल का समय रहेगा, और 3 साल तक आप लोगों को हर महीने 3768 रुपए पे करने पड़ेंगे। इंटरेस्ट 35,648 रुपए का बनेगा, मतलब कि टोटल जो रिपेमेंट आपको करना पड़ेगा 1,35,000 रुपए के आसपास करना पड़ेगा। तो 1,35,648 रुपए का आप लोगों को यहाँ पे रिपेमेंट करना पड़ेगा, और आप लोगों को मिलेगा लोन 96,000 रुपए का। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया गया है, एप्लीकेशन NBFC है, RBI अप्रूव्ड है, लोन इजीली मिल जाएगा। अगर आप लोगों का क्रेडिट स्कोर नॉर्मल है तब भी यहाँ से आप लोग लोन ले सकते हो। अब बस ये है, देखो जितना भी लोन का आपका जो भी आपकी लिमिट रहती है, हर एप्लीकेशन के अंदर आपके क्रेडिट स्कोर के हिसाब से दी जाती है। तो अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी होती है, आपने पहले कोई भी लोन में डिफॉल्ट नहीं किया है, करंट टाइम पर कोई लोन आपका नहीं चल रहा है, एंड अगर कोई लोन चला है आपने उसको सही से टाइमली रिपेमेंट कर दिया है, तो आप क्रेडिट स्कोर जाहिर सी बात है अच्छा होगा, एंड आप लोगों को अच्छे खासे अमाउंट का लोन मिल जाएगा। अब भाई, इस एप्लीकेशन के अंदर आप लोग 50,000 रुपये तक का लोन तो ईजिली ले सकते हो, एंड अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो आप लोगों को 7.5 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, जो कि ये एप्लीकेशन खुद आप सभी लोगों से बोल रही है। तो ये एप्लीकेशन, इसका नाम है इनक्रेड, आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो। तो भाई, नेक्स्ट एक और बेस्ट लोन एप्लीकेशन है, इसको मैं हर एक वीडियो में मेंशन करता हूँ, इसका नाम है क्रेडिट भी। अगर आप लोगों को सच में लोन चाहिए तो आओ क्रेडिट भी ऐप ट्राई करो। देखो भाई, जिसको जिसको लोन चाहिए, मतलब उसको अर्जेंट नीड है, अगर आप लोगों को लोन चाहिए तो आपको अर्जेंट पैसों की जरूरत होगी, एंड क्रेडिट भी से आप लोग अर्जेंट मनी ले सकते हो, मतलब कि अर्जेंट लोन ले सकते हो। यहाँ पर आप सभी लोगों को 4 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, 1,000 रुपए से लेकर 4 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन मिलता है। यहाँ पर जो इंटरेस्ट लगता है वो इंटरेस्ट भी काफी कम है, 0% से लेकर 30% के बीच में आपका इंटरेस्ट लगेगा, आपकी प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है वो। आप लोगों को 2 साल तक का समय देखने को मिलेगा, APR 0 से लेकर 70% के बीच में है, ट्रांजेक्शन फीस काफी कम है, एंड क्विक एंड ईजी EMI है। ठीक है, अब देखो
यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये भी इन्होंने मेंशन किया गया है कि व्हाट मेक्स कैडबी आइडियल फॉर एवरी कस्टमर। इन्होंने मेंशन किया गया है कि भाई यहाँ पे क्विक आपको क्विक ऑनलाइन लोन मिल जाता है, ठीक है, यहाँ पर लो इंटरेस्ट रेट के साथ लोन मिलता है, इजी एप्लीकेशन प्रोसेस है, ठीक है, फास्ट लोन अप्रूवल है, 10 मिनट के अंदर लोन डिसबर्स हो जाता है, मतलब कि आपके बैंक में आ जाता है। अब उसके अलावा मैनेजेबल ईएमआई टू रिपे द ऑनलाइन लोन्स, आप लोग अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो कि आपको कितनी ईएमआई पे करनी है, ठीक है, अपने लोन का रिपेमेंट करने के लिए, भी मेंशन किया गया है, ठीक है। फीचर सारे मेंशन करे गए हैं। अब इन्होंने एक यहाँ पे लेंडिंग पार्टनर्स भी मेंशन करे हैं कि इनके लेंडिंग पार्टनर्स कौन है जो इनको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये यहाँ मेंशन किया गया है, जो इनको यहाँ पे रुपए दे रहे हैं लोन देने के लिए। इन्होंने नीचे एक एग्जांपल भी दिया गया है कि पर्सनल लोन फॉर अ सैलरीड इंडिविजुअल। अगर आप लोग एक सैलरीड इंडिविजुअल हो, मतलब अगर आपकी कोई जॉब है तो आपको कितना लोन मिलेगा, अगर आप लोग मतलब कितना इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ेगा, कुछ एग्जाम्पल दिया इन्होंने। अब ये नहीं कि एग्जैक्टली यही रहेगा, ऊपर नीचे होता रहता है। एक एग्जाम्पल हर एक एप्लीकेशन देती है कि आप इतना लोन लेते हो तो आपको इतना ये मिलेगा, ठीक है, इतना ये देना पड़ेगा। तो इन्होंने भी एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर आप लोग 50,000 रुपए का लोन लेते हो, 12 महीने का समय रहता है उसमें, ठीक है, 12 महीने का समय रहेगा, ठीक है, 20% का अगर इंटरेस्ट रेट पड़ता है उसके ऊपर, तो आप लोग को प्रोसेसिंग फी देनी पड़ेगी 2.5% की, मतलब कि 1250 रुपए आपकी प्रोसेसिंग फीस लगेगी। और उसके बाद यहाँ पे आपका ऑनबोर्डिंग फी फॉर न्यू कस्टमर रहेगा 200 रुपए की, ठीक है, 200 रुपए की न्यू कस्टमर की फीस लगेगी, ठीक है, जीएसटी लगेगा 261 रुपए का, टोटल इंटरेस्ट लगेगा 5,580 रुपए का, ठीक है, ईएमआई बनेगी 4,632 रुपए की, एपीआर 26.92 हो जाएगा, अमाउंट डिसबर्स हो जाएगा 48,289, मतलब कि इतना अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आएगा, ठीक है। और उसका रिपेमेंट करने के लिए आप लोग को 55,580 रुपए देने पड़ेंगे, लोन का रिपेमेंट जब करोगे तो आप लोग को यहाँ पे करीबन 7,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे इसका लोन का रिपेमेंट करने के लिए, ठीक है। अगर आप लोग एक साल के लिए लोन लेते हो तो 50,000 रुपए के लोन पर आपको 7,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, 8,000 रुपए करीबन एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। एलिजिबिलिटी देखें तो एलिजिबिलिटी के लिए आप लोगों, अगर आप लोग आप एक इंडिया के ही पर्सन, मतलब इंडिया की नेशनलिटी होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, इंडिया के इंडिया में ही रहने मतलब रहते होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपकी एज 21 से ऊपर होनी चाहिए, 21+ हो तभी लोन मिलेगा। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है स्टडी मंथली इनकम, मतलब कि आप ऐसा ना हो कि भाई आप लोग एक महीना पैसा कमा रहे हो फिर 6 महीना एकदम गुल बैठे हो, तो ऐसा अगर आपका है तो भाई पैसा नहीं मिलेगा। ये पहली बात तो ये है कि भाई ये सब एप्लीकेशन आपके पैन कार्ड वगैरह से ही सब कुछ आपका क्रेडिट स्कोर वगैरह चेक कर लेती हैं और आपके क्रेडिट स्कोर के हिसाब से ही लोन देती हैं, चाहे जो जितना बोले क्रेडिट स्कोर के हिसाब से हम आपको लोन नहीं दे रहे हैं, हम आपको आपके ऐसे ही लोन दे दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपका क्रेडिट स्कोर देखा जाता है, आपकी प्रोफाइल देखी जाती है, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, ठीक है, तो भाई आपको अच्छे अमाउंट का लोन मिल जाएगा। अब मैंने भी काफी एप्लीकेशन के अंदर लोन लिया, देखो मैं हमेशा तो किसी को लोन की जरूरत पड़ती नहीं है, तो मैं एप्लीकेशन आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, रिसर्च के हिसाब से बता रहा हूँ जो कि बेस्ट है। अब मैंने सबके अंदर तो लोन भी नहीं लिया, जाहिर सी बात है, अगर मैं बताऊँ तो मैंने क्रेडिट भी के अंदर मेरे दोस्त ने लोन लिया, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आगे एक दो ऐप और बताऊंगा जिसके अंदर मेरे दोस्तों ने ही लोन लिया, तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। बाकी मैं कुछ एप्लीकेशन हो गए जैसे रिंग वगैरह, इन सब से मैंने खुद लोन लिया था एक टाइम पर, तो इन सबको भी मैं बताता रहता हूँ कि भाई इन सबको ट्राई कर सकते हो लोन लेने के लिए। तो क्रेडिट भी अच्छा एप्लीकेशन है, अगर आप लोग 4 लाख रुपए तक का लोन लेना चाहते हो तो इस एप्लीकेशन की मदद से इजिली ले सकते हो। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट प्लेटफॉर्म की ओर, ये है, इसका नाम है प्राइवो, ठीक है। प्राइवो भी एक पर्सनल लोन ही ऐप है, ठीक है, प्राइवो इंस्टेंट क्रेडिट लाइन ऐप है, ठीक है, आपको आना है। अगर हम लोग देखिए भाई एप्लीकेशन के अंदर क्या है, तो यहाँ पर आप लोग क्रेडिट मिल जाता है, मतलब कि लोन मिल जाता है 2 लाख रुपए तक का विथ 0 प्रोसेसिंग फी। प्रोसेसिंग फी यहाँ पे कुछ नहीं लगती, लगती है, इन्होंने मेंशन किया हुआ है, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग देखो तो इन्होंने मेंशन किया गया है कि विथ 0% 0 प्रोसेसिंग फी, देखो ये मेंशन किया गया इन्होंने, ठीक है, 2 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, पे विथ ईजी EMIs, ठीक है, आप लोग आराम से आसान EMI के साथ यहाँ पे लोन का रिपेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर लोन आपको मिलता है 2 लाख रुपए, 20,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का। टेन्योर आप लोगों को 3 महीने से लेकर मैक्सिमम 60 महीने तक, मतलब कि 3 महीने से लेकर 5 साल तक का समय देखने को मिलता है, वो लोन के अमाउंट के हिसाब से होता है। बड़ा लोन का अमाउंट है तो ज़्यादा टाइम पीरियड दिया जाएगा, कम है तो कम दिया जाएगा। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है वो 14% से लेकर 30% के बीच में है, अब 13.5% से लेकर 30% के बीच में है। ये डिपेंड करता है कि भाई आपका आपकी प्रोफाइल कैसी है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। प्रोसेसिंग फी मिनिमम 1% रहेगी, मैक्सिमम 3% रहेगी। अब जो प्रोसेसिंग फी जो एक अमाउंट के ऊपर लगती है वो नहीं लगेगी, बाकी यहाँ पे आपका ये दो मेंशन किया गया कि ये प्रोसेसिंग फी लग रही है, ठीक है, नॉट एप्लीकेशन फॉर प्राइवो स्क्वाड, ठीक है, यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया है कि प्राइवो स्क्वाड के लिए ये अप्लीकेबल नहीं है। जीएसटी अप्लीकेबल होगी सिर्फ प्रोसेसिंग फी पर, ठीक है, और जीएसटी जो रहेगी आपकी प्रोसेसिंग फी पर अप्लीकेबल होगी। इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है, आपने 10,000 रुपये का लोन लिया है, 12 महीने के लिए लिया है, तो यहाँ पे 14% का अगर इंटरेस्ट रेट लग रहा है तो ईएमआई बनेगी आपकी 8,980 रुपए के करीबन, 1 लाख रुपए पर आप लोग की 9,000 रुपए करीबन ईएमआई बन रही है।
अगर आपका यहाँ पे प्रोसेसिंग की पड़ेगी 1,180 रुपए की, टोटल लोन का हो जाएगा 1,07,048 रुपए का, मतलब कि 11,000 करीबन आप लोगों को 1,11,000 रुपए 1,11,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, ठीक है, मतलब 11,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे 1,00,000 रुपए के लोन के बदले। आप लोग को यहाँ पे करीबन 1,00,000 भी नहीं गाइस, अगर आप लोग 1,00,000 का लोन लेते हो तो यहाँ पे कुछ चार्ज वगैरह कटने के बाद जो अमाउंट डिसबर्स होगा वो 98,200 का हो रहा है, 98,226 का लोन अमाउंट आपके बैंक में आएगा। बाकी उसके अलावा आपको जो रिपेमेंट करना पड़ेगा, रिपेमेंट करते समय आपका जो अमाउंट टोटल हो जाएगा वो 1,11,000 समथिंग हो जाएगा। तो भाई आप लोग देख सकते हो करीबन आप लोग को 13,000 रुपए 14,000 रुपए यहाँ पे एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप लोग एक साल का लोन लेते हो, अगर ज़्यादा टाइम का रहता है, ज़्यादा अमाउंट रहता है, तो आप लोगों को और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। एडिशनल चार्जेस वगैरह सब कुछ नीचे मेंशन करेंगे कि भाई अगर आपने ओवरड्यू चार्जेस क्या है, ठीक है, और इंटरेस्ट रेट वगैरह क्या क्या लगेंगे, और सब चीज़ें उन्होंने मेंशन करी गई हैं कि भाई अगर आपने कोई पे नहीं किया तो कोई आपकी जो EMI है वो बाउंस हो गई तो उसका क्या चार्ज पड़ेगा, ये सब मेंशन किया गया है, इन्होंने ये चीज़ें मेंशन करी हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी इनकी, ठीक है। और इन्होंने भी मेंशन किया है कि भाई कहाँ कहाँ से इनको पैसा मिल रहा है, कहाँ कहाँ से आपको पैसा दे रहा है। तो अगर आप लोगों को लोन चाहिए तो एप्लीकेशन सही है, 3.9 की रेटिंग है। अगर किसी ऐप की रेटिंग 3.5 से कम होती है तो हाँ बेकार है, लेकिन हाँ 3.9 है तो मतलब कि ठीक ठाक रेटिंग है। अगर आप लोगों को लोन चाहिए, हमको तो पैसों से मतलब है, एप्लीकेशन सेफ है, इतना काफ़ी है, हम लोग अप्लाई करेंगे, लोन मिल गया तो ठीक है, वरना 2 मिनट का प्रोसेस है, आप लोग ट्राई करो, मिल जाएगा लोन तो बहुत अच्छी बात है। 5 लाख प्लस डाउनलोड्स हैं। अब देखो जिन लोन एप्लीकेशन के अंदर डाउनलोड्स कम होते हैं उनके अंदर आप लोगों को लोन ईजिली मिल जाता है, तो भाई इसके अंदर आराम से आप लोग लोन ले सकते हो। लोन लेना है आप डाउनलोड करो, आराम से इजिली आप लोन लो एंड यहाँ से आप लोग अपने पैसों की जो भी जरूरत है उसको कंप्लीट करो, तो प्राइवेट अच्छा है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा एप्लीकेशन का नाम है स्मार्ट कॉइन, स्मार्ट कॉइन भी अच्छा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। यहाँ पर भी आप लोगों को 1,00,000 रुपए तक का लोन मिलता है, RBI रजिस्टर्ड लेंडर हैं, ठीक है, मतलब कि अगर आपको ये लोन प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये RBI रजिस्टर्ड हैं तभी आपको ये लोन दे रहे हैं, ठीक है। 100% डिजिटल प्रोसेस होगा यहाँ पर भी, मिनिमल पेपर वर्क है, मतलब कि बहुत कम पेपर वर्क होने वाला है, पेपर वर्क होगा ही नहीं, सब ऑनलाइन ही जितना होना है होना है। टेन्योर आप लोगों को 2 से लेकर 9 महीने तक मिलेगा। यहाँ पर टाइम पीरियड कम मिलता है लोन का रिपेमेंट करने के लिए, नो प्री क्लोजर चार्जेस हैं। अगर आपने लोन लिया आज, कल पैसा आ गया तो कल ही पे कर दो, कोई भी प्री क्लोजर चार्ज नहीं पड़ेगा, ठीक। कोलेट्रल फ्री लोन्स हैं, ठीक है, मतलब कि आप लोगों को कोई भी सिक्योरिटी वगैरह नहीं देनी है कि भाई गोल्ड देना पड़े, FD देनी पड़े, कुछ ऐसा रखना पड़ेंगे पास जिससे आप लोगों को लोन मिले, ऐसा कुछ नहीं है। इजी रीपेमेंट ऑप्शंस हैं, ठीक है, आप लोग इजीली UPI के थ्रू रीपेमेंट कर सकते हो। लोन पर्पसेस क्या है, इंस्टेंट फॉर मेडिकल इमरजेंसी कोई है तो उसके लिए लोन ले सकते हो, ठीक है। भाई पॉकेट मनी के लिए लोन ले सकते हो, कोई दिक्कत है, पैसों की जरूरत है, कुछ खरीदना है ना, इसके लिए पर्सनल लोन ले सकते हो। फिर कवर एजुकेशन, अगर आपको एजुकेशन के लिए लोन चाहिए तो भी ले सकते हो। इंस्टेंट ऑनलाइन लोन टू मीट हाउसहोल्ड एक्सपेंसेस, अगर आपको घर से चलाने हैं उसके लिए रुपए नहीं है तो उसके लिए ले सकते हो। ये सब मेंशन किया गया है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी मेंशन करी गई है कि आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड होने चाहिए, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब कि खुद का काम कर रहे हो या फिर आप एक सैलरीड पर्सन हो तो अगर सैलरी स्लिप होनी चाहिए, ठीक है, न्यू टू क्रेडिट हो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बिटवीन 21 to 45 आपकी एज होनी चाहिए, मंथली इनकम अबव 20,000 से ऊपर की मंथली इनकम होनी चाहिए, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो चाहे आप एक सैलरी इंडिविजुअल हो। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, पैन लगेगा, आधार लगेगा, बैंक स्टेटमेंट लगेगी, ऑप्शनल है, जो कि अगर आप तो देते हो तो सही है, अगर दोगे तो इजिली लोन मिल जाएगा, नहीं दोगे तभी लोन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि लोन नहीं मिलेगा, ठीक है। पैन एंड आधार आपको देना ही पड़ेगा लोन के लिए। एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, 45,000 रुपए का अगर लोन लेते हो आप लोग इनसे तो आपके बैंक अकाउंट में 43,407 रुपए आएंगे, 2,000 रुपए करीबन कट जाएंगे, बाकी आपको जो रीपेमेंट करना पड़ेगा वो करीबन मतलब सब कुछ देखने के बाद 49,000 रुपये करना पड़ेगा, 49,000 का 43,000 आपके बैंक में आएंगे, 49,000 का पेमेंट करना पड़ेगा रीपेमेंट। टोटल आप लोगों को 6,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तब आप लोग इनका रीपेमेंट 7,000 रुपये आप लोगों को एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, यहाँ पर करीबन 6,000-7,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे अगर आप लोग रीपेमेंट करते हो। 6 महीने का बस टेन्योर का दिया गया है, 30% का अगर इंटरेस्ट रेट लेते हैं तो आप लोगों को दिया गया है, मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट उन्होंने लेकर रखा है, तो भाई इसी के आसपास इंटरेस्ट रेट रहेगा, इसका मतलब है मतलब कि आप लोग से 25% तो इंटरेस्ट रेट आपसे चार्ज किया ही जाएगा। इनके लेंडिंग पार्टनर्स कौन कौन है वो भी यहाँ पे मेंशन किया है इन्होंने, कहाँ कहाँ से ये लोन करंट टाइम पर उठा रहे हैं, तो ये चीजें इन्होंने आप मेंशन करी हुई हैं, ये आप लोग देख सकते हो, ठीक है। स्टेप्स टू गेट लोन, आप लोगों को इंस्टॉल करना है, रजिस्टर करना है, पर्सनल डिटेल्स कुछ देनी है, अप्लाई करना है इंस्टेंट लोन के लिए, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, साइन करना है, और उसके बाद कुछ मिनट के अंदर ही आप लोग को लिमिट मिल जाएगी। आप लोग उस लिमिट के हिसाब से यहाँ पर जो भी लिमिट मिलती है 1,00,000 रुपए की, तो उस लिमिट के अंदर या फिर उस लिमिट तक का जितना अमाउंट है उतना आप लोग अपने बैंक में निकाल सकते हो, मतलब कि डिसबर्स करा सकते हो। तो बढ़िया एप्लीकेशन है, यहाँ से भी आप लोग लोन ले सकते हो। 4.1 की रेटिंग है, काफ़ी अच्छी रेटिंग है एप्लीकेशन की, 1 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड्स हैं, ईजिली आप लोग को लोन मिल जाएगा अगर आप लोग लोन लेना चाहते हो तो। अब जो हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसका नाम है ट्रू बैलेंस भी बढ़िया एप्लीकेशन है। अगर आप लोग को लोन चाहिए तो ट्रू बैलेंस डाउनलोड करो, ठीक है। यहाँ पर भी आप लोग को बहुत अच्छे अमाउंट का लोन मिल जाता है, 1,00,000 रुपए तक का लोन ले सकते हो, 1,000 रुपए से लेकर 100% सेफ एंड सिक्योर है।
आरबीआई अप्रूव्ड है, एनबीएफसी है, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, 10,000 रुपये का लोन लेते हो, ठीक है, तो आपके पास मतलब 3,000 कुछ रुपए का, मतलब यहाँ पे सब कुछ करने के बाद 11,185 रुपए का आप लोगों को रिपेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया गया है, इंटरेस्ट वगैरह सब कैलकुलेट करके दिखाया है, तो करीबन इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी कम है यहाँ पर, ठीक है। फीचर्स यहाँ पर दिए गए हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, 24/7 आप लोगों को पर्सनल लोन मिलता है, 100% पेपरलेस है, ठीक है। 1,00,000 रुपये तक का लोन डिस्बर्सल अमाउंट है, इतने तक का लोन आप लोगों को मिल सकता है, ठीक है। कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट थ्रू वेरियस मेथड्स, आप लोग किसी के कोई भी मेथड के थ्रू पेमेंट यहाँ पे कर सकते हो, निकाल सकते हो। टू बैलेंस इज अ पीपीआई लाइसेंस होल्डर विच प्रोवाइड आरबीआई कंप्लेंट वॉलेट एंड मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस ऑफ नेट बैंकिंग, ठीक है। आप लोग ये आरबीआई अप्रूव्ड है, आपको काफी सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, गिफ्ट कार्ड एंड ऑल्सो पार्टनर्स विद एनबीएफसी के साथ पार्टनर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इजिली लोन रिपेमेंट करो, कोई इशू नहीं होने वाला है, ठीक है। इंस्टॉल कर सकते हो ट्रू बैलेंस ऐप को, आप प्रोसेस यही है, इंस्टॉल करना है, लॉग इन करना है, डिटेल्स देनी है, सबमिट करना है, लोन के लिए अप्लाई करना है, आप लोग लिमिट मिलेगी, उस लिमिट के हिसाब से लोन निकाल सकते हो। एप्लीकेशन बढ़िया है, काफी सारे लोग यहाँ से लोन ले रहे हैं, रेटिंग भी काफी अच्छी, 4.3 की रेटिंग है इस एप्लीकेशन की, 5 करोड़+ डाउनलोड्स हैं। लोन चाहिए लोन के मामले में काफी जबरदस्त एप्लीकेशन है, आप लोग इस एप्लीकेशन से आराम से 50,000-60,000 रुपए तक का लोन ले सकते हो अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कोई कोई भी एप्लीकेशन अगर आप लोगों से ये बोल रही है कि हम आपको लोन देंगे इतने तक का या फिर इतने तक का, तो आप ये समझो कि इसका आधा तुरंत कर लो, जितना एप्लीकेशन कहती है या कोई प्लेटफॉर्म कहता है उतना लोन आपको कभी भी नहीं प्रोवाइड करता है। अब एक और आप लोगों के लिए लोन है पैसा बाजार की तरफ से, तो अगर आप लोगों ने यहाँ पे नहीं अप्लाई किया है, पर्सनल लोन चाहिए, इमरजेंसी है, तो पैसा बाजार पर आओ, पैसा बाजार आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है, मोबाइल नंबर वगैरह देने हैं, ठीक है। यहाँ पे 30+ लेंडर्स हैं इनके पास जो उनको लोन देते हैं, ठीक है, आप लोगों को लोन उनके थ्रू मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों को इन सब एप्लीकेशन से लोन नहीं मिल रहा तो एक वेबसाइट है पैसा बाजार, ठीक है, इसके लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, यहाँ पर आके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर भी आप लोगों को आराम से आपके नीड के हिसाब से लोन मिलेगा, आप लोगों को अमाउंट एंटर करना पड़ेगा, उस अमाउंट के हिसाब से आपको क्या प्रोफाइल कैसी है उस हिसाब से आपको लोन मिलेगा। तो ये सभी एप्लीकेशन बेस्ट हैं, मैं हर बार आप लोगों से कहता हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को एप्लीकेशन बता रहा हूँ, अगर आप लोगों को लोन नहीं मिल रहा तो इसमें मेरी गलती नहीं, क्योंकि ये मेरी एप्लीकेशन नहीं है, मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, रिसर्च के हिसाब से, ठीक है, और लोगों से मैंने जान परख के, ठीक है, जिन्होंने लोन लिया उनसे जानकर, ट्रू बैलेंस में दोस्त ने लोन लिया हुआ है, ठीक है, ट्रू बैलेंस है, स्मार्ट कॉइन से भी लिया, क्रेडिट भी से लिया, तो तीन एप्लीकेशन से, मतलब मेरे जानने वालों ने ही लोन लेके रखा है, मतलब जैसे मैंने ही लोन लेके रखा है, बाकी जो कुछ एप्लीकेशन पे मैंने रिसर्च करी, दोस्तों से पता वगैरह किया, ठीक है, इधर उधर पता किया, रिसर्च किया, गूगल पता किया, रिसर्च किया, सब कुछ करने के बाद आप लोगों के सामने ये एप्लीकेशन मैं लेकर आ रहा हूं। तो इनके अंदर लोन के लिए अप्लाई करना है, लोन मिले या ना मिले ये मेरे ऊपर नहीं है, इन एप्लीकेशन के ऊपर है, आपकी प्रोफाइल के ऊपर है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, बाकी एप्लीकेशन सेफ है। मैं कोशिश यही करता हूं जितनी भी एप्लीकेशन बताऊं हमेशा सेफ रहे, तो सेफ एंड सिक्योर है, सभी आरबीआई अप्रूव्ड हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, एनबीएफसी है, एनबीएफसी पार्टनर है सबके, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप लोग आओ, लोन के लिए अप्लाई करो, इजीली लोन मिलेगा, लोन का अमाउंट डिसबर्स होगा, रीपेमेंट करना पड़ेगा भाई, देखो टाइमली पेमेंट कर देना, इसमें दिक्कत आ सकती है, पेमेंट नहीं करोगे तो भाई घर पे एजेंट वगैरह आएंगे, तो नॉर्मल सी बात है, वो बैंक में अगर लोन लेते हो नहीं रीपेमेंट करोगे तो एजेंट वगैरह आते हैं, कार पे लोन ले रखा है, कार की ईएमआई नहीं भरे तो घर से कार उठा ले जाते हैं, बाइक उठा ले जाते हैं।